दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, मैं आप सबका स्वागत है। तो गाइस, अभी देख सकते हो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। उससे पहले वो लोग को आपने देख लिया, अभी मैंने वो व्लॉग ख़त्म किया, मैंने मौसम बता के है उसको अपलोड कर दिया। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा हमारे गाँव में जो मंदिर है उस मंदिर का पूरा टूर बताऊँगा। वो भैरवनाथ का मंदिर है, तो आपको पूरा मंदिर बताएंगे, उसका क्या किया है, कुछ कुछ सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलते हैं घर की तरफ और अभी अपना खेत। चलो गाइस, तो गाइस कुछ ऐसा मंदिर का बाहर का लुक है, अंदर से आपको बताते हैं। तो चलो, जैसे अंदर घुसते ही हमें मिलेगा यहाँ पर 2 घंटे। अभी तो पानी गिर रहा है यहाँ पर, बहुत तेज़ बारिश आई थी इसलिए, और ये अंदर घुस गए हम। वहाँ पर भैरव जी का मंदिर है, खोडिया से मंदिर खेतागेड़ा, वो यहाँ पर नागवा जी का मंदिर है। चारों तरफ ऐसा कुछ माहौल है, देख सकते हो आप। और इधर देखो, और यहाँ से अंदर घुसेंगे हम यहाँ पर, और ये अम्बे माता और रावरी माता का मंदिर है, देख सकते हो आप ये माता रानी। तो ये कुछ ऐसा इधर वापिस शेयर हो गया माता जी के, और यहाँ पर हमारे जो दादा परदादा थे हमारे, उनकी मूर्तियाँ है। और यहाँ पर ये मंदिर वापिस गुरु जी के सामने इस तरफ, ये बालाजी महाराज बोले ना, और इसके अंदर है मंदिर। ये इस तरफ अंदर का कुछ ऐसा लुक है गाइस। अंदर वो सामने भी बैठे हैं, सामने सारे वो भैरवनाथ का मंदिर है, तो कुछ ऐसा इंटरेस्ट है यहाँ पर, वो देख सकते हैं। ये देखो गाइस, अंदर से कुछ एकदम ऐसा लुक है इसका। यहाँ पर हवन कुंड है, हर नवरात्रि में यहाँ पर हवन होता है और रात्रि जागरण होता है। ये हमारे पर दादाजी द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है गाइस। तो इस तरफ वो हमारी बाइक खड़ी है, और ये पूरा ऐसा माहौल है, देख सकते हो आप, देख सकते हो कुछ ऐसा बाहर से हम अंदर आए थे वो वाला लुक। इस तरफ कुछ ऐसा ऐसा वहाँ पर बाथरूम वगैरह सब कुछ है, ये देख सकते हो। तो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।